मैं ये नहीं कहता कि आप सुकेश के आरोपों को सही मानिए, मैं बस इतना कहता हूँ कि आप आरोपों की जांच तो कराइए। तिहाड़ में कैदियों के साथ क्या होता है यह हम सब जानते हैं। अंकित गुर्जर को ही लीजिए, उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। मैं उससे हफ्ते में दो बार मिलता हूँ या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करता हूँ। उसी से मुझे ये सूचनाएं मिल रही हैं जिन्हें मैं एलजी तक पहुंचा रहा हूँ। ये शब्द सुकेश के वकील एडवोकेट एके सिंह के हैं। दरअसल एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और लेटर लिखा है। अपने वकील के जरिए भेजे दो पेज के खत में सुकेश ने उसे और उसकी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकी दिए जाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। सुकेश ने यह भी आरोप लगाया है कि जेल के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने उसे पीटा, जिससे प्राइवेट पार्ट में चोट आ गई है। वैसे जेल में बंद सुकेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई लेटर लिख चुका है। उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे और गंभीर आरोप लगाए हैं। 9 नवंबर 2022 की तारीख में अपने वकील एके सिंह के जरिए भेजे लेटर में उसने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के खिलाफ एलजी ऑफिस से की गई शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेटर में सुकेश के वकील ने मांग की है कि तिहाड़ जेल से दूर देश की दूसरी किसी जेल में सुकेश और उसकी पत्नी को ट्रांसफर किया जाए, जिससे उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिंह ने लिखा है कि उनके क्लाइंट ने ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के समक्ष कई खुलासे किए हैं और इसलिए उनकी जान को खतरा है। सुकेश पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले चल रहे हैं। उसने दावा किया है कि मेरी पत्नी को जेल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमकी देने के साथ ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे मैं शिकायतें वापस ले लूं। ठग ने आरोप लगाया है कि उसे 31 अगस्त को जेल के भीतर सीआरपीएफ के जवानों ने पीटा, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट आई है। एलजी को भेजे लेटर में कहा गया है उसका इलाज आरएमएल अस्पताल और जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दर्द कम करने के लिए वह सपोर्टर लगाए रखे। इससे पहले के लेटर में सुकेश ने कहा था कि उसने दिल्ली के एलजी से जो दावा किया है अगर गलत निकलता है तो वह फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।